लोकसभा चुनाव को भले ही एक साल का वक्त बाकी हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनावी समर का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी राम मंदिर निर्माण कार्य, यूनिफॉर्म सिविल कोड समेत अन्य मुद्दों को लेकर जनता के पास जा रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने सियासी सरजमी की नजाकत को भांपते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं। 80 सीटों के साथ केंद्र की सत्ता का रास्ता तय करने वाला यूपी हर पार्टी के लिए अहम है। हालांकि इन दिनों भगवान राम के मुद्दे ने मिशन 24 के चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी हमेशा से भगवान राम के आदर्शों पर चलकर जनता के बीच पहुंचती है। राम मंदिर निर्माण भी इसी की वानगी है, लेकिन अब भगवान राम पर समाजवादी पार्टी भी हक जमाती नजर आ रही है। बता दें, बीते दिन इटावा पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने जसवंत नगर में भगवान राम की मूर्ति का अनावरण किया और बीजेपी पर ये कहते हुए हमला बोला कि भगवान राम केवल भाजपा के नहीं, हम सबके हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि भगवान राम बीजेपी के नहीं, आपके, हमारे, सबके हैं। लेकिन बीजेपी भगवान राम को सीमित करना चाहती है, उनके ही आदर्शों पर हम सब चलेंगे। उन्होंने आगे सपा सरकार में हुए कार्यों का बखान किया। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी लोगों को भ्रमित करती है। लोगों से कहना चाहता हूं कि बीजेपी के मकड़ जाल में न फंसें, बीजेपी के लोग ठग हैं। देखिए, भगवान राम भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, हमारे हैं, आपके हैं, सबके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को सीमित करना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, हमने कहा आपके भी हैं, हमारे भी हैं, सबके हैं। भगवान कण कण में हैं, कण कण में हैं। केवल केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रमित करते हैं। तो हम तो ये कहेंगे, सबसे सबसे ये कहेंगे कि इस भारतीय जनता पार्टी के भ्रमित मकर जाल में न फंसे कोई। ये तो बहुत भारतीय जनता पार्टी के लोग और ठग लोग हैं। बहरहाल ये चर्चाएं काफी तेज हो रही हैं कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मात देने के लिए सपा सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है। सपा ने लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत के लिए ऋषियों की तपस्थली नैमिषारण्य को चुना, जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव ललिता देवी मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आए। इधर शिवपाल यादव ने भी भगवान राम की मूर्ति का अनावरण कर साफ कर दिया है कि आगामी चुनाव में सपा सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लेकर बीजेपी की राह मुश्किल करने का काम करेगी। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो रामचरितमानस विवाद और इसे लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की चुप्पी, स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किए जाने के बाद पार्टी को नुकसान का भी डर सता रहा है। यही वजह है कि सपा सॉफ्ट हिंदुत्व मॉडल को अपनाकर बीजेपी का मुकाबला करने का प्लान बना रही है। खैर, सपा की ये रणनीति उसे कितना फायदा पहुंचाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही देश दुनिया की तमाम अहम और जानकारी भरी खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।